हेलो गाइज, मैं हूं सचिन जांगड़ा और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन्स बायो क्लासेस। तो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पिछली कुछ वीडियोस विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में थी और मैंने काफी कुछ डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि वहां का स्टडी पैटर्न कैसा होता है, वहां बुक्स कैसी होती है, वहां का मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा था। ये सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो कई लोगों की रिक्वेस्ट आई मेरे पास, कई बच्चों की रिक्वेस्ट आई एक अलग टाइप की वीडियो बनाने के लिए, जिसमें उन लोगों ने बोला कि मैं जो हम विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहां पे जाते ही हमारा एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, वहां पे जो एक एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके बारे में एक वीडियो बनाइए आप। तो उस वीडियो वो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। तो गाइज, आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आएगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा पूरी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और चलिए फिर बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, हम बात करते हैं विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो गाइज, अगर मैं बात करूं उस एग्जाम की, तो जैसे ही हम लोग जाते हैं विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी इंडिया से पढ़ने के लिए अपनी MBBS, तो वहां जाते ही हमें कुछ जो हमारी फॉर्मेलिटीज वगैरह होती है वो करवाई जाती है। उसके बाद हमारा एक स्पेसिफिक डेट को वो एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। वो एक हॉल होता है, लेक्चर हॉल में हमें वो बैठ के एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, वो एग्जाम हमें देना होता है। तो गाइज, इस एग्जाम में एक्चुअली में होता क्या है, इस एग्जाम में तीन सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है आपका बायोलॉजी, सेकंड सेक्शन होता है आपका केमिस्ट्री और थर्ड सेक्शन रहता है आपका इंग्लिश, जनरल इंग्लिश। उस इन तीन चीजों का आपसे टेस्ट लिया जाता है। पहले आपको दिए जाएंगे इंडिविजुअल पेपर, यानी पहले आपको दिया जाता है बायोलॉजी का पेपर या फिर केमिस्ट्री या वाइस वर्सा। तो आपको पहले मान लीजिए दिया जाता है बायोलॉजी का पेपर। बायोलॉजी में होते हैं कुछ क्वेश्चंस, तीन या चार बेसिक क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता, बस आपको 11th 12th का जो NCERT है या आप कह सकते हैं कि 12th का जो NCERT है उसमें से एग्जाम ज्यादा आता है आपका। तो वो कुछ टॉपिक्स होते हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। मियोसिस पूछ लिया जाता है आपसे, मायोसिस पूछ लिया जाता है, सॉरी 11th क्लास का, माफ कीजिएगा, 11th क्लास की जो बायो होती है पर्टिकुलर, उसमें से ज्यादा पूछा जाता है आपसे। इस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कई सारे क्वेश्चंस, जिनमें एक क्वेश्चन काफी फेमस भी रहता है जो होता है मायोसिस और मियोसिस के बारे में, वो लोग आपसे पूछते हैं, उसकी जो स्टेजेस होती हैं वो पूछते हैं। तो ये सब होता है बायोलॉजी का पैटर्न। ये बायोलॉजी का एग्जाम हार्डली आई थिंक 1 आवर का होता है। उसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ता है केमिस्ट्री का। तो गाइस, जो केमिस्ट्री का आपका एग्जाम रहता है, उस एग्जाम में वो लोग आपसे कुछ रिएक्शंस वगैरह जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं 11th क्लास के या 12th क्लास के, वो चीजें आपसे, वो बेसिक जो चीजें होती है केमिस्ट्री की, वो आपसे पूछी जाती है। और गाइस, आमतौर पर सभी बच्चों का इतना ठीक ठाक होता है कि वो लोग वो एग्जाम क्लियर कर देते हैं। तो इसके बारे में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका केमिस्ट्री का सेक्शन हो जाता है, आपका बायोलॉजी का सेक्शन हो जाता है, उसके बाद आता है इंग्लिश का सेक्शन। गाइस, इंग्लिश का सेक्शन में आपको कुछ दिए जाते हैं, जैसे एडजेक्टिव भरने दिए जाते हैं, जो नॉर्मल जो बेसिक नॉलेज होती है इंग्लिश की वो आपसे पूछा जाता है। तो उस एग्जाम को जब आप दे देते हैं, जब आप पूरा कर लेते हैं उस एग्जाम को, उसके बाद टीचर उसी टाइम आपको चेक करके एग्जाम आपका दे देता है कि आपका रिजल्ट बता देता है कि आप पास हुए या फेल हुए या आपको रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो गाइज, इन तीनों आप रिटर्न जो लिखते हैं अपना पेपर, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का एंड देन जनरल इंग्लिश का, उसके बाद वो टीचर आपको अपने पास बुला के इंग्लिश का एक नॉर्मल सा आपका टेस्ट लेते हैं कि आपको सॉरी कि आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है या नहीं। वो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ऐसे ही कुछ सवाल हमारी चीज से रिलेटेड, जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक रहता है, हमारा जो MBBS का टॉपिक रहता है, उसके इर्द गिर्द अगर मैं बात करूं तो वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वो कोई ज्यादा टफ नहीं होता, बस आप घबराएं नहीं। वहां पे टीचर जब आपसे सवाल पूछ रहा है, ध्यान से वो सवाल सुने और उसके बाद उस सवाल का जवाब दें। तो गाइज, ये बात करी हमने एंट्रेंस एग्जाम की, कि जब हम विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जाते हैं तो हमें एक एग्जाम देना पड़ता है, जो एक तरह से एंट्रेंस एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी का। हम उसे कह सकते हैं गाइस, इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ फॉर्मेलिटी, एक ये फॉर्मेलिटी का टाइप होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगी इस एग्जाम में। आप वहां से जाएंगे, आपकी बेसिक नॉलेज, इसके लिए आपको कोई अलग से किताबी कीड़ा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी नीट के लिए अपना काफी दिमाग खर्च कर चुके होते हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़े। लेकिन अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, आपकी बेसिक नॉलेज होती है, आप वो क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी स्टूडेंट की। मैंने आज तक किसी स्टूडेंट के बारे में ऐसा नहीं सुना
कि उसका एग्जाम रह गया या वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। ऑलमोस्ट सभी बच्चों का, ऑलमोस्ट क्या मैं अगर बोलूं कि सभी, मतलब एवरीवन, लिटरली एवरीवन क्लियर द एग्जाम एंड नो वन फेस सच प्रॉब्लम। तो आप जाइए विनेत्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहां पढ़िए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी एंट्रेंस एग्जाम। जब मैं शुरू में आया था यहाँ पे विनेत्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, मुझे भी थोड़ा सा लगा था कि कहीं एग्जाम मुझसे क्लियर ना हो या ऐसा कुछ, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। आप ठंडा दिमाग रखिए, वहां पे जाके आप एग्जाम अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से, जो वो पूछ रहे हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस वगैरह उनका जवाब दीजिए और आपका काम खत्म। बस आपको टीचर वही बता देगा कि आप पास हैं, फेल हैं या आपको दोबारा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो गाइस ये बात होगी विनेत्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की। मैंने काफी डिटेल से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, जितना पॉसिबल था डिटेल से मैंने आप लोगों को समझाया। आई होप कि आप लोगों को ये तरीका काफी पसंद आएगा। इस वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल पूरी आपको ये वीडियो देखनी है, तभी आपको क्लियर होगा कि विनेत्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम कैसा रहता है, किस लेवल का रहता है, क्या पूछा जाता है, वो सब चीजें मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस की है। तो गाइज हमने बात कर ली विनेत्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, उसका जो पैटर्न रहता है उसके बारे में, क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में। तो गाइज इन केस अगर हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हम नहीं कर पाते, अनफॉर्चुनेटली किसी भी कारण हम पहली बार में अपना क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो क्या दूसरा अटेम्प्ट होता है, क्या हम दोबारा एलिजिबल हैं उस चीज के लिए? जी हाँ बिल्कुल है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक और डेट दी जाएगी, उस डेट पे आप क्लियर कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टेंशन, बिना किसी स्ट्रेस के। तो आपको असल में तो आपका पहली बार में क्लियर हो ही जाना है, ऑलमोस्ट 99.9% बच्चे पहली बार में उसे क्लियर कर देते हैं। इन केस अगर रह भी जाता है तो आपको इतना कोई सदमा मानने की उस बात की जरूरत नहीं है कि मेरा तो एंट्रेंस एग्जाम रह गया, मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऑफकोर्स आपको एडमिशन मिलेगा, आपने पे किया तो आपको एडमिशन जरूर मिलेगा। आप यहाँ पे आए हैं, आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए आप लोग, कोई बात नहीं, आप अगला अटेम्प्ट ट्राई कीजिए। नेक्स्ट एक डेट आती है जिसमें आप अपना जो एंट्रेंस एग्जाम है वो दे सकते हैं दोबारा विनेत्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का, और उसे अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और टीचर आपको बता देगा कि आप पास हैं या फेल हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, री अटेम्प्ट भी इसका होता है। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही। बस जो मेरा मेन जो टॉपिक था हमारी इस वीडियो को शुरू करने से पहले, जो मेरा टॉपिक था वो हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। कोई अगर आपको डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के मुझे कमेंट में, कमेंट बॉक्स में वहां पे कमेंट कर सकते हैं कि मेरी ये क्वेरी है। मैं हर बार कोशिश करता हूं कि हर बच्चे का मैं रिप्लाई करूं, हर बच्चे को मैं आंसर करूं और किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो अब्रॉड जाना चाहते हैं एमबीबीएस करने के लिए, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। और आप कमेंट करके मुझे ये भी बता सकते हैं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो, इसी विनेत्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के किसी टॉपिक से या कोई बायोलॉजी का टॉपिक आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो चलिए गाइस अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।